Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionems. As you can see on the screen, we are going to start with the blood vascular system and pila globosa. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो सिंस मोर देन वन आवर नाउ बट बिकॉज देयर सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन माय नेबरहुड बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही थी सो आई वाज अनेबल टू रिकॉर्ड बट दे डजंट सीम टू स्टॉप एंड रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट सो या आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड के अगर कुछ भी बैकग्राउंड आवाज है आई ट्राई टू एलिमिनेट द बैकग्राउंड वॉइसेज एज मच एज पॉसिबल बट स्टिल इफ इन केस थोड़े बहुत बैकग्राउंड आवाजें अगर आ गए तो ये एक वीडियो के लिए आप लोग एडजस्ट कर लो नेक्स्ट टाइम आई विल रिकॉर्ड द वीडियो व्हेन द कंस्ट्रक्शन वर्क इज नॉट गोइंग ऑन राइट आई होप दिस इज क्लियर सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो तो ये जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है पाइला ग्लोबोसा का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता कॉम्प्लेक्स क्यों रहता बिकॉज इनके पास ड्यूअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन दिख जाता आई होप आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे जहां पर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पाइला ग्लोबोसा डिस्कस करे थे वहां पर अपन क्या बोले पाइला ग्लोबोसा जो है दैट इज नथिंग बट द एप्पल स्नेल इज एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म एम्फीबियस मतलब दैट कैन लीड इट्स लाइफ ऑन लैंड एंड इन वॉटर बिकॉज लैंड पे पानी में दो जगह रहता है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है ड्यूअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन अपन को दिख जाता बोल के अपन डिस्कस करे थे वो ड्यूअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है एक्वाटिक रेस्पिरेशन एंड एरियल रेस्पिरेशन एरियल रेस्पिरेशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज ऑन लैंड एंड एक्वाटिक रेस्पिरेशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज इन वॉटर ठीक है बिकॉज इनके पास ड्यूअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन है तो इनका ब्लड वास्कुलर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस गेट इनटू द वीडियो तो ये जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्डियम हार्ट आर्टरी साइनसिस एंड वेन्स हर वीडियो में अपन क्या करते जो चीजें हैं उसको एक के बाद एक डिस्कस करते ये वीडियो में भी वेच करने वाले एक के बाद एक अपन पेरिकार्डियम हार्ट आर्टरी साइनस वेन्स को डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हार्ट हियर सॉरी पेरिकार्डियम हियर अब पेरिकार्डियम इज फाउंड लाइंग डॉर्सली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वॉल बिहाइंड द वेंट्रल कैविटी तो कान दिख जा रहा पेरिकार्डियम अपन को मालूम हो गया इट इज अवॉइड सैक वॉइड सैक मतलब दिस इज सिमिलर टू शेप ऑफ एन एग तो एग का शेप कैसा रहता है वैसे सिमिलर शेप का रहता है पेरिकार्डियम ठीक है नाउ दिस एक्सटेंड्स अप टू द स्टमक एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो कहां तक एक्सटेंड हो सकता है स्टमक एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक पेरिकार्डियम एक्सटेंड होता अब पी हियर स्टैंड्स फॉर पेरिकार्डियम अब पेरिकार्डियम कम्युनिकेट्स विद द रीनल चेंबर अब आपको रीनल चेंबर से क्या समझ में आ रहा है इतना तो एक आइडिया हो गया होगा कि रीनल चेंबर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है तो ये पेरिकार्डियम जो है दिस इज कम्युनिकेटिंग विद द रीनल चेंबर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज गेटिंग कनेक्टेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर अब रीनल चेंबर के बारे में एक चीज आप लोग याद रख लो एंड दैट इज अपन वैसे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते बट फॉर नाउ इन दिस वीडियो यू रिमेंबर दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा हैज दीज चेंबर्स कॉल्ड एज रीनल चेंबर्स आपको एंटीरियर रीनल चेंबर दिख जाता एंड पोस्टीरियर रीनल चेंबर दिख जाता ओके एंटीरियर रीनल चेंबर पोस्टीरियर रीनल चेंबर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको दिख जाता किसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाइला ग्लोबोसा के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आई होप दिस इज क्लियर ठीक है सो पेरिकार्डियम के बारे में इतने पॉइंट है एक और पॉइंट है दैट दिस पेरिकार्डियम एनक्लोजेस द हार्ट तो ये पेरिकार्डियम जो है हार्ट को एनक्लोज कर लेता ठीक है नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्ट अब हार्ट के देखो दो चेंबर्स है एक है ऑरिकल दूसरा है वेंट्रिकल तो यहाँ पे देखो ये इमेज में दिस इज द ऑरिकल ये वाला पार्ट इज द ऑरिकल एंड नीचे वाला पार्ट इज द वेंट्रिकल ठीक है अब फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ऑरिकल फॉलोड बाय द वेंट्रिकल ऑरिकल यहाँ पे देखो दिस इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम अब डॉर्सल पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम क्यों बोल रहे हैं बिकॉज वी नो दैट पेरिकार्डियम इज एनक्लोजिंग द हार्ट हार्ट के दो चेंबर्स है ऑरिकल वेंट्रिकल ऑरिकल जो है पेरिकार्डियम के डॉर्सल साइड में दिख जा रहा क्लियर है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉरी ऑरिकल्स के बारे में बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले एंड दैट इज ऑरिकल्स के वॉल अगर आप देखें तो दिस इज थिन वॉल उनका शेप क्या है रफली ट्रायंगुलर इन शेप एंड दीज आर highly contractile तो auricles are highly contractile उनके walls thin रहते हैं and they are roughly triangular in shape now these auricle this auricle receives blood from three veins now this is very important because आगे वीडियो में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं तो ये three veins क्या है direct diagram में देखेंगे भाई अपन तो यहाँ auricles है auricles देखो यहाँ three veins से blood receive कर रहे हैं लोग फर्स्ट है पल्मोनरी वेन दूसरा है इफरेंट टीनिडियल वेन एंड तीसरा है इफरेंट रीनल वेन तो आप लोगों को नामों से समझ में आ गया होगा कि वो वेन्स कहाँ से आ रहे पल्मोनरी वेन बोल तो पल्मोनरी सैक से आती इफरेंट टीनिडियल वेन टीनिडियल बोल रहे ना अपन दैट मीन्स गिल तो दिस वेन इज कमिंग फ्रॉम द गिल्स एंड द इफरेंट रीनल वेन रीनल बोलते एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बेसिकली दैट मीन्स दिस इज कमिंग फ्रॉम द चेंबर्स रीनल चेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ठीक है नाउ एक चीज यहाँ पे याद रख लो पल्मोनरी वेन इफरेंट इनिडियल वेन ये जो वेन्स रहते दे आर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द ऑरिकल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाता है वेंट्रिकल से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को चल जाता सो बेसिकली ऑरिकल्स आर रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो ये थ्री मेन वेन्स है दे आर इफरेंट इनिडियल वेन
नेक्स्ट है एफरेंट रीनल वेन एंड पल्मोनरी वेन. क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अबाउट वेंट्रिकल्स. सो दीज ऑरिकल्स वेंट्रली ओपन इन टू द वेंट्रिकल्स. अब वेंट्रिकल्स कहाँ पे है? दे आर प्रेजेंट बिलो द ऑरिकल्स. अभी अपन डायग्राम में देखे दे आर ओवॉइड सैक शेप देखे तो आपको समझ में आ रहा है दैट दे आर काइंड ऑफ ओवल इन शेप. नेक्स्ट इनके वॉल्स जो है अनलाइक ऑरिकल्स दे आर थिक वॉल्स. तो वेंट्रिकल्स के वॉल्स थोड़े थिक रहते हैं, स्पॉन्जी रहते हैं एंड मस्क्यूलर रहते हैं. एंड ऑल्सो मस्क्यूलर स्ट्रैंड का इनके वॉल्स में मेशवर्क आपको दिख जाता है. यू विल फाइंड मेशवर्क ऑफ मस्क्यूलर स्ट्रैंड इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ पाइला ग्लोबोसा, जिसकी वजह से उनकी जो कैविटी रहती है रेड्यूस हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच दे विल हैव अ रेड्यूस्ड कैविटी. आई होप यहाँ तक ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स हार्ट पेरिकार्डियम क्लियर है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट हार्ट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टरीज. अब आर्टरीज में देखो आप लोग समझ गए तो कन्फ्यूजन नहीं होता, बट नामों से कन्फ्यूजन होता. तो ध्यान दो कौन सा नाम कब अपन यूज कर रहे हैं एंड साथ में नोट्स बनाते जाओ एंड वीडियो को अच्छे से फॉलो करो. एक बार वीडियो समझ में नहीं आई तो रिपीट करके फिर से देखो, बिकॉज थोड़ा ना इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो आपको शायद से दूसरे बार भी देखने की जरूरत पड़ सकती. तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, मोस्टली समझ में आ जाता. इफ नॉट वॉच द वीडियो अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्टरीज के बारे में वी वर टॉकिंग राइट. नाउ वी हियर स्टैंड फॉर वेंट्रिकल्स. नाउ दिस वेंट्रिकल द लोअर एंड ऑफ द वेंट्रिकल्स विल गिव राइज टू अ लार्ज आर्टरी विच इज कॉल्ड एज आयोटिक ट्रंक. तो ये जो आयोटिक ट्रंक को अराइज करते हैं, नाउ दिस आयोटिक ट्रंक इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस. इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, दे आर नेमली सेफेलिक आयोटा एंड विसेरल आयोटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो आयोटिक ट्रंक है वेंट्रिकल्स के लोअर हाफ से अराइज हो रहा, दैट इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस नेमली सेफेलिक आयोटा एंड विसेरल आयोटा. अब यहाँ पे ये डायग्राम में देखो आप, हार्ट के डायग्राम में पहले देखो. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. तो यहाँ पे देखो लोअर एंड ऑफ द वेंट्रिकल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द विसेरल आयोटा. दूसरा कौन सा है भाई? सेफेलिक आयोटा है. अब सेफेलिक आयोटा का आप देखे तो आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिख रहा. दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आयोटिक एम्प्यूला. ओके, अब ये जो आयोटिक एम्प्यूला है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फैमिली पिलीडे. तो फैमिली पिलीडे में जो ऑर्गेनिजम्स रहते उनके पास प्रेजेंस ऑफ द आयोटिक एम्प्यूला इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अब ये आयोटिक एम्प्यूला के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ना ब्लड सर्क्यूलेशन में हेल्प करते, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस आगे. अब ये जो ब्रांच है दैट इज डिवाइडिंग इनटू सेफेलिक आयोटा एंड विसेरल आयोटा. अब ये जो सेफेलिक आयोटा है फर्स्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉलोड बाय विसेरल आयोटा. आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेफेलिक आयोटा. सेफेलिक आयोटा हैज दिस स्ट्रक्चर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज आयोटिक एम्प्यूला जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं. अब ये जो सेफेलिक आयोटा है डिवाइड हो गया. सेफेलिक आयोटा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये जो सेफेलिक आयोटा है फिर आउटर साइड एंड इनर साइड से ब्रांचेस देता. पहले आउटर साइड से कौन से ब्रांचेस दे रहा, इनर साइड से कौन से ब्रांचेस दे रहा देखेंगे. नाउ फ्रॉम द आउटर साइड इट इज गिविंग राइज टू थ्री ब्रांचेस, नेमली क्यूटेनियस आर्टरी, ईसोफेजियल आर्टरी एंड लेफ्ट पीलियल आर्टरी. ठीक है, क्यूटेनियस, ईसोफेगस एंड लेफ्ट पीलियल आर्टरी. क्यूटेनियस आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द स्किन. क्यूटेनियस मतलब स्किन, राइट. नेक्स्ट ईसोफेजियल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द ईसोफेगस. सो इट्स सिंपल टू रिमेंबर बिकॉज नामों से ही काम ब्लड प्रोवाइड कर रहा है वो समझ में आ जा रहा है. लेफ्ट पीलियल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू मैंटल, लेफ्ट साइड ऑफ द मैंटल. लेफ्ट बोले तो याद रखो लेफ्ट साइड में जा रहा भाई, लेफ्ट साइड ऑफ द मैंटल, लेफ्ट साइड ऑफ द न्यूक्लियर लोब्स एंड ऑस्फ्रेडियम. ऑस्फ्रेडियम को ब्लड प्रोवाइड करता, कहाँ कहाँ ब्लड दे रहा है ना, लेफ्ट पीलियल आर्टरी टू द लेफ्ट मैंटल, टू द लेफ्ट न्यूक्लियर लोब एंड टू द ऑस्फ्रेडियम. DIUM राइट, हाँ ऑस्फ्रेडियम. ठीक है, अब यहाँ डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम हियर, दिस इज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा. दिस इज द ऑरिकल हियर, दिस इज द वेंट्रिकल हियर. अब वेंट्रिकल के बेस से आप देखो दो ब्रांचेस अराइज हो रहे, वन इज कॉल्ड द सेफेलिक आयोटा एंड द अदर इज कॉल्ड एज द विसेरल आयोटा. ठीक है, विसेरल आयोटा को अभी अपन अरेज कर देंगे बिकॉज वी आर एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट द सेफेलिक आयोटा. अब यहाँ सेफेलिक आयोटा में ऑब्जर्व करो, ये सेफेलिक आयोटा आगे जा रहा, यहाँ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख जा रहा आयोटिक एम्प्यूला. नाउ दिस इज मूविंग अहेड एंड इट इज डिवाइडिंग ऑन द आउटर साइड इनटू थ्री ब्रांचेस, वन टू एंड थ्री. द फर्स्ट ब्रांच इज द क्यूटेनियस आर्टरी दैट विल टेक द ब्लड टू द स्किन. द सेकंड ब्रांच हियर इज द ईसोफेगियल आर्टरी दैट विल टेक ब्लड टू द ईसोफेगस एंड द थर्ड हियर इज द लेफ्ट पीलियल आर्टरी जो आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड हो रही. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइफोनल आर्टरी, बेसिकली लेफ्ट पीलियल आर्टरी जो है दैट इज प्रोवाइडिंग ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मैंटल, लेफ्ट न्यूक्लियर लोब्स एंड ऑस्फ्रेडियम. यहाँ पे ऑस्फ्रेडियल आर्टरी भी आपको दिख जा रही, दिस इज द ऑस्फ्रेडियम हियर. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. तो आउटर साइड में इट इज डिवाइडिंग इनटू थ्री ब्रांचेस, मेनली थ्री ब्रांचेस. कौन से ब्रांचेस है? दे आर द क्यूटेनियस आर्टरी, लेट मी इरेज दिस ऑल,
क्यूटेनियस आर्टरी, नेक्स्ट है ईसोफेजियल आर्टरी एंड लेफ्ट पीलियल आर्टरी. दिस इज द आउटर साइड. अब इनर साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे आगे जाके ओनली वन आर्टरी यू कैन सी हियर एंड दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल आर्टरी. अब पेरिकार्डियल आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड प्रोवाइड कर रही भाई? पेरिकार्डियल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द पेरिकार्डियम, रीनल चेंबर एंड पार्ट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स. आई होप दिस इज क्लियर. सेफेलिक आयोटा का आउटर ब्रांच इनर ब्रांच आपको आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेफेलिक आयोटा आगे जाके क्या कर रहा. तो यहाँ पे देखो द मेन ट्रंक क्रॉसेस ओवर द ईसोफेगस एंड विल मूव टू द राइट साइड. जब से लेफ्ट साइड देखे अब ये जो मेन ट्रंक है दैट विल मूव आगे एंड इट विल मूव गो सॉरी क्रॉस ओवर द ईसोफेगस एंड वो राइट साइड में चल जाता है. यहाँ पे देखो ये डायग्राम में ये आउटर एंड इनर आई एम गोइंग टू रेस. तो यहाँ पे दिस सेफेलिक आयोटा डिविजन होने के बाद आगे जा रहा है. दिस इज गोइंग ऑन द राइट साइड टू गिव राइज टू मेनली थ्री ब्रांचेस, नेमली राइट साइफोनल आर्टरी, राइट पीलियल आर्टरी एंड द पीनियल आर्टरी. तो यहाँ पे ये जो तीन दिख रहे वो तीन ये आर्टरीज है. तो पहला कौन सा है? राइट पीलियल आर्टरी. नाउ दिस राइट पीलियल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द राइट मेंटल, राइट साइड ऑफ द मेंटल. राइट साइफोनल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द राइट न्यूकल लोब, राइट न्यूकल लोब एंड द पीनियल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स. सो राइट साइड एंड डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेस, नेमली राइट पीलियल आर्टरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ राइट पीलियल आर्टरी, राइट साइफोनल आर्टरी एंड पीनियल आर्टरी. राइट पीलियल आर्टरी टू द राइट साइड ऑफ द मेंटल, राइट साइफोनल आर्टरी टू द राइट न्यूकल लोब एंड द पीनियल आर्टरी टू द कॉपुलेटरी ऑर्गन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेफेलिक आयोटा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विसेरल आयोटा. विसेरल आयोटा विल प्रोवाइड ब्लड टू द विसेरल मास. सो बेसिकली ब्लड इज टेकन टू द विसेरल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द विसेरल मास थ्रू सीरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस. तो डिफरेंट ब्रांचेस लेके जाके ब्लड को विसेरल ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं. एंड वो प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता? विसेरल आयोटा हेल्प करता, राइट. नाउ देखो यहाँ पे फर्स्टली विल गो थ्रू ऑल द आर्टरीज ऑफ द विसेरल आयोटा फॉलोड बाई ये जो भी आर्टरीज है डायग्राम में अपन देखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आर्टरी क्या दिख जा रही है आपको? पेरिकार्डियल आर्टरी फॉलोड बाई गैस्ट्रिक आर्टरी, इंटेस्टाइनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी and several other arteries you will find arising from the visceral aorta. सेफेलिक कर लिए भैया, विसेरल कर रहे अपन, ठीक है. अब पेरिकार्डियल आर्टरी को देखो आप, दिस विल प्रोवाइड ब्लड टू द पेरिकार्डियम, स्किन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्लियर. गैस्ट्रिक आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द स्टमक, इंटेस्टाइनल आर्टरी विल प्रोवाइड ब्लड टू द इंटेस्टाइन. वो देखो नामों से आप बोल दे सकते कि कहाँ लेके जा रहा हूँ ब्लड. गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, राइट. रीनल मतलब टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द रीनल चेंबर्स. तो renal arteries will take the blood to the roof of the posterior renal chamber. It will take blood to the roof of the posterior renal chamber, right. Next hepatic artery to the digestive glands and gonads. Several other arteries to the terminal part of the genital duct. तो अब ये arteries अपन एक बार यहाँ पे देख लेंगे in this diagram here. तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो था वो cephalic aorta था, जो नीचे आ रहा ये जो नीचे आ रहा दिस इज द विसेरल आयोटा. विसेरल आयोटा से देखो पेरिकार्डियल आर्टरी आपको दिख जा रही, हिपैटिक आर्टरी आपको दिख जा रही, रीनल आर्टरी आपको दिख जा रही, गैस्ट्रिक आर्टरी आपको दिख जा रही, इंटेस्टाइनल आर्टरीज आपको दिख जा रहे, राइट. सो दे आर सेवरल अदर आर्टरीज दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड ब्लड टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जेनाइटल डक्ट. सो आई होप डायग्राम से आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा, राइट. नाउ मूविंग अहेड फाइनली द विसेरल आयोटा, वी ए स्टैंड्स फॉर विसेरल आयोटा. Finally, the visceral aorta terminates into the wall of the rectum. That is, that will end itself into the wall of the rectum. So that was all about arteries as well, guys. Next, we are going to talk about sinuses. अब sinuses क्या है? किसमें help करते देखेंगे? तो यहाँ पे जो blood है, various body parts को मिल गया. Because यहाँ पे देखो arteries basically क्या कर रही है? पूरे जो भी arteries है, different body parts को blood provide कर रहे हैं. वही अपन देखे कहाँ कहाँ जा रहा blood करके. तो बेसिकली बॉडी ऑर्गन्स को प्रोवाइड होने के बाद ब्लड इम्प्योर हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, राइट. नाउ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रोवाइडेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है. अब फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गेट प्रोवाइडेड टू द साइनसेस. नाउ व्हाट आर साइनसेस? अब ये जो वेरियस बॉडी पार्ट्स है दे विल ओपन इनटू स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड एज लैक्यूने. अब ये लैक्यूने एक साथ ज्वाइन होके दे विल फॉर्म साइनसेस. आई होप यू नो
बाई नाउ वॉट आर साइनसेस, जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं छोटे स्मॉल स्पेसेस में खुल जाते हैं, नाउ दो स्मॉल स्पेसेस आर कॉल्ड एज लैक्यूने. ये लैक्यूने पूरे जुड़ के क्या बनाते हैं, साइनस बनाते, दे विल जॉइन टूगेदर टू फॉर्म द साइनसेस. ठीक है, यहाँ पर देखो फोर चीफ साइनसेस आर प्रेजेंट, नेमली एंटीरियर पेरिविजरल साइनस, एंटीरियर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, ब्रैंकियोरिनल साइनस एंड पल्मोनरी साइनस. अब ये साइनसेस के पास, आई एम रिपीटिंग अगेन, साइनस के पास क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, द साइनसेस विल कलेक्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, अब एंटीरियर पेरिविजरल साइनस विल कलेक्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सेफेलिक आयोटा एंड सम विजरल आयोटा. अब सेफेलिक आयोटा में एक एक्सेप्शन है, दैट इज द पेरिकार्डियल आर्टरी. तो बेसिकली ये जो पेरिविजरल साइनस है वो न सेफेलिक आयोटा कन से ब्लड कलेक्ट कर रहा, बट पेरिकार्डियल आर्टरी कन से ब्लड नहीं लेता, एंड सम विजरल आयोटा कन से इट विल टेक द ब्लड. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट है एंटीरियर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस. नाउ दिस एंटीरियर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द विजेरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से, ये वाले जो अपन मेंशन कर रहे हैं, विजेरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां से जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें आ रहा, एंटीरियर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से आ रहा. सो बेसिकली एंटीरियर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस इज कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम दीज ऑर्गन्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रैंकियोरिनल साइनस. रीनल सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ दिस विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द रीनल चेंबर्स. रीनल चेंबर से ब्लड कलेक्ट कर रहा. सिंपल पल्मोनरी साइनस. पल्मोनरी सिंपल अगेन. दिस विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सैक. सो दीज वर द फोर चीफ साइनसेस हियर. यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं है, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम हियर, आपको इसमें साइनसेस दिख जाते. सी, this is one sinus, this is another sinus, this is another sinus. So these are all the sinuses in this diagram here. Next, आगे बढ़ेंगे. Next, we are going to talk about the veins. Now, the veins will carry blood to the auricles. अपन auricles में mainly three veins पढ़े थे, वो अब यहाँ आते हैं. तो ध्यान दो. Blood will carry, veins will carry blood to the auricles either directly, या तो veins से directly auricles को चल जाता है blood, या through gills or the pulmonary sac, या तो veins क्या करते हैं, blood को gills के पास लेके जाते हैं, oxygenate करते हैं, वहां से फिर again auricles के पास लेके आते, या फिर pulmonary sac कर लेके जाते, oxygenate करते हैं, वहां से फिर auricles में लेके आते, या तो they'll take the blood to the mantle or the kidney. ठीक है, यहाँ पर chief veins if you see they are efferent tenidial vein. एक है efferent tenidial vein, आपको ये डायग्राम में दिख जाती, जस्ट अ सेकेंड. राइट, ये डायग्राम में देखो, ये टिनीडिया है, दिस इज द टिनीडिया, दैट इज नथिंग बट द गिल, जहां पे आपको लैमेले दिख जाते, लीफलेट्स, ट्रायंगुलर लीफलेट्स अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वो दिख जाता. नाउ टिनीडिया के पास देखो, दिस इज द efferent vein, efferent tenidial vein. यहाँ पे लेबलिंग है, दिस इज द efferent tenidial vein. जो ये साइड में है, दिस इज द efferent tenidial vein. This is the efferent tenidial vein. तो अपन फर्स्ट किसके बारे में बात कर रहे थे, we were talking about the efferent tenidial vein. Efferent tenidial vein will receive branches from the rectum, terminal part of the genital duct, perivisceral sinus and branchiorenal sinus. तो ये sinuses कन से उन्हें blood लेता, और दूसरे जो भी ducts अपन terminal part of genital duct and rectum कन से भी, ये जो efferent tenidial vein है, that will take the blood. वहां से blood लेने के बाद, this will take the blood to the gill lamellae for purification. I hope this is clear. तो पहले impure blood उन्हें sinuses कन से दूसरे जगहों कन से ले रहा, then this is taking the blood towards the gill lamellae for oxygenation. एक बार oxygenate हो गया blood, that will not come back again through efferent tenidial vein. वो oxygenated blood को carry करने के लिए help करती efferent tenidial vein, जो अपन ऊपर पड़े, जो ऑरिकल्स में ओपन होती. नेक्स्ट इज द efferent tenidial vein. दिस विल टेक द ब्लड फ्रॉम द tenidial leaflets टू द ऑरिकल्स. क्लियर है? तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, efferent tenidial vein, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस इज टेकिंग, एंड दिस विल डायरेक्टली ओपन इन टू द ऑरिकल्स. वहां से फिर वो प्रोसेस शुरू हो रहा है, ऑरिकल से ब्लड विल एंटर वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से फिर सेफेलिक आयोटा एंड विजरल आयोटा, वो प्रोसेस अगेन दैट विल स्टार्ट. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द efferent renal vein. ठीक है, ये है नेक्स्ट efferent renal vein. efferent renal vein will take the blood from the posterior renal chamber. तो यहाँ पे देखो, efferent renal vein, that is sinus, this is efferent renal vein. तो ये vein जो है blood को यहाँ पे posterior renal chamber में लेके जा रही. Then after that,
from there, the blood will go from the posterior renal chamber. PRC stands for posterior renal chamber. Posterior renal chamber से blood auricle में जाता है through efferent renal vein. तो ये three veins auricles में open हो रहे बोल के अपन ऊपर discuss कर रहे थे. I hope you are able to link and I hope you are able to understand the concept here. Next comes the pulmonary vein. Pulmonary vein will take the blood from the walls of the pulmonary sac to the auricle. समझ में आ गया, clear है. So that was all about the blood vascular system in Pyelaglobosa. Blood के बारे में अगर इनके बात करें तो इनका blood जो है that will have this respiratory pigment called as hemocyanin. Hemocyanin. Now this hemocyanin is a copper containing pigment which gives blood a blue color. जैसा हमारे human body में अगर आप देखें तो आपको hemoglobin दिख जाता है. Hemoglobin की वजह से blood red color का दिखता. Similarly, this organism Pyelaglobosa this has a respiratory pigment called as hemocyanin in its blood, which gives blue color to the blood of the organisms. Apart from that, some organisms also have hemoglobin instead of hemocyanin that will give red color to their blood. Simple. Now this hemocyanin is a copper containing pigment. Copper containing pigment. ठीक है? Yeah. Now let's have a look on the course of blood circulation. यहाँ पे अगर आप देखें, you will be able to link all the sinuses and all the arteries and all the veins that we have discussed here. Now under the course of blood circulation, the auricles will receive blood. अपन क्या बोले? Auricles will receive oxygenated blood बोले थे. For now, remember, auricles के पास ना oxygenated blood है करके, ठीक है? Now this auricles will take the blood to the ventricles, right? Now from the ventricles, the blood will move into the cephalic and visceral aorta. This cephalic and visceral aorta both will help to provide blood to different organs of the body. So basically the blood is going to different body organs. Now from different body organs, मतलब वहाँ जाके different body organs के पास अगर blood गया तो it will get deoxygenated, right? अब ये जो different organs के पास जाने के बाद deoxygenated blood रहता, that will enter the sinuses. तो यहाँ पे देखो perivisceral sinus है and periintestinal sinus है. अब जब organism aerial respiration कर रहा, when the organism is on land, ठीक है, the blood from the perivisceral sinus will enter into the pulmonary sac. Pulmonary sac में जाने के बाद that will get oxygenated here. Pulmonary sac में oxygenate होने के बाद it will enter the pulmonary vein and from the pulmonary vein again the blood enters the auricles. वो फिर repeat होता process, ठीक है, this is a cyclic process. तो फिर process repeat हो रहा है यहाँ पे. If the organism is continuing with aerial respiration, but अगर पानी में है aquatic respiration कर रहा, तो blood कहाँ जा रहा भाई? From different organs it is entering the perivisceral sinus and periintestinal sinus. First we'll talk about the periintestinal sinus. अब periintestinal sinus से blood कहाँ जा रहा? Efferent renal sinus में जा रहा and into the efferent renal vein. Confused नहीं होना, one is sinus and one is vein. Blood from the periintestinal sinus is entering into the efferent renal sinus and efferent renal vein. From efferent renal sinus, the blood will enter into the anterior renal chamber. Renal connected रहते, sinus से anterior renal chamber में जा रहा, but efferent renal vein से it will enter the posterior renal chamber. Okay, blood कहाँ आ रहा? Anterior renal chamber and posterior renal chamber में आ जा रहा. Clear है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब anterior renal chamber में अगर आप observe करें, खाली efferent renal sinus से नहीं आ रहा blood, perivisceral sinus से भी blood will enter the anterior renal chamber. Once the blood enters the anterior renal chamber, the blood may enter into the branchorenal chamber or into the posterior renal chamber. तो दो तरफ भी जा सकता भाई, anterior renal chamber से posterior renal chamber में भी जा सकता और into the branchorenal sinus. Okay. अब once the blood enters the posterior renal chamber, now this posterior renal chamber is receiving blood from efferent renal vein and also from anterior renal chamber. अब यहाँ पे posterior renal chamber के बाद the blood will enter the efferent renal vein and finally into the auricle. अब यहाँ पे oxygenation नहीं हो रहा blood, but impurities, nitrogenous waste are removed in the excretory system. Blood से nitrogenous waste जो भी रहता that is removed and the blood is again going into the efferent renal vein and into the auricles finally. I hope समझ में आ रहा है इधर. तो basically जो auricles है उनको purely oxygenated blood नहीं मिलता, but they will receive the mixture of blood. ठीक है, वही mixture of blood again will travel into the ventricles and different body organs, then sinuses, then other
आर्टरीज एंड वेन्स एंड फाइनली इन टू द ऑरिकल्स. समझ में आ गया, क्लियर है? सो ऑरिकल्स इज रिसीविंग मिक्सचर ऑफ ब्लड. स्टार्टिंग में समझ में आने के लिए आपको आई सेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट फॉर नाउ अगर आप ये देखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी यू शुड रिमेंबर दैट ऑरिकल्स आर रिसीविंग द मिक्सचर ऑफ ब्लड. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर रीनल चेंबर. अगर ब्लड एंटीरियर रीनल चेंबर से ब्रैंकियो रीनल साइनस में गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और आरओ भी है, दैट सेज ब्लड फ्रॉम द पेरिविजरल साइनस में एंटर इन टू द ब्रैंकियो रीनल साइनस. अब ब्रैंकियो रीनल साइनस में ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा? फ्रॉम द पेरिविजरल साइनस एंड ऑल्सो फ्रॉम द एंटीरियर रीनल चेंबर. फ्रॉम दैट द ब्लड विल enter into the efferent tenidial vein when the organism is in water. जब एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर रहा ऑर्गेनिज्म, जब ब्लड विल एंटर फ्रॉम द ब्रैंकियोरिनल साइनस इनटू द एफेरेंट टीनिडियल वेन, एंड दिस एफेरेंट टीनिडियल वेन विल टेक द ब्लड टू द टीनिडिया फॉर ऑक्सीजनेशन. टीनिडियम मतलब गिल के पास जा रहा ऑक्सीजनेशन के लिए. वंस द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड देयर, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल ट्रेवल इनटू द एफेरेंट टीनिडियल वेन इनटू द ऑरिकल फाइनली. तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, लेट मी एरेज एवरीथिंग फॉर नाउ. ऑरिकल्स को थ्री वेन्स ब्लड प्रोवाइड कर रहे, दे आर नेमली, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी सब कुछ अरेज हो गया. तो यहाँ पे ऑरिकल्स को कहाँ कहाँ से ब्लड में मिल रहा, दैट इज फ्रॉम पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इफरेंट टीनिडियल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फ्रॉम द इफरेंट रीनल वेन. सो हेंस द ऑरिकल इज रिसीविंग द मिक्सचर ऑफ ब्लड. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ब्रैंकियो रीनल साइनस को ब्लड कहाँ कहाँ से मिल रहा है. दे आर दिस इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम पेरिविजरल साइनस एंड ऑल्सो फ्रॉम एंटीरियर रीनल चेंबर. नाउ टॉकिंग अबाउट एंटीरियर रीनल चेंबर, एंटीरियर रीनल चेंबर को ब्लड कहाँ कहाँ से मिल रहा, फ्रॉम द एफेरेंट रीनल साइनस एंड फ्रॉम द पेरिविजरल साइनस. एंड टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर रीनल चेंबर, पोस्टीरियर रीनल चेंबर को ब्लड कहाँ से मिल रहा, फ्रॉम द एंटीरियर रीनल चेंबर एंड द एफेरेंट रीनल वेन. थोड़ा नामों में कंफ्यूजिंग है, अगर आप गौर करके पढ़े तो आपको समझ में आ जाता. सो दैट वॉज ऑल अबाउट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड पाइला. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी. अगर नहीं समझ में आई, एक बार नोट्स गो थ्रू करो, एक बार फिर से वीडियो देखो. बहुत ईजी वे में समझाने की मैं कोशिश करी. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल. सो या गाइज, लेट्स एंड द वीडियो. यू आर ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई. All the best for your exam. Make sure to give it a like. Do subscribe to our channel and do share this video with your friends. Apart from that, if you have any doubts, you can feel free to comment down in the section below, or you can DM me on my Instagram handle, that is @arsh_bionips. Right? So yeah, that was it. All the best. Bye-bye.